हस्तमैथुन की 8 गलत फहमियाँ, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन, हैंड प्रैक्टिस, मुट्ठी मारना, हिलाना, ऐसे अलग अलग नाम उसको दिए जाते हैं। इन शॉर्ट क्या है कि हस्तमैथुन मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन, उसको बोलते हैं हस्तमैथुन। हाथ से पेनिस का मतलब लिंग का घर्षण करना, उसमें बहुत मज़ा आती है और वीर्य बाहर निकल जाता है और एक सेक्स जैसा अनुभव उसमें आता है। वीर्य बाहर निकल जाता है तो फिर वो बुरा है, ऐसा लोग कहते हैं और लोगों के मन में ऐसी धारणा है और वो गलत है। हस्तमैथुन कुछ गलत नहीं है। हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उससे ना लिंग टेढ़ा दुबला पतला होता है, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। और उसकी जो गलत फहमियाँ हैं वो हम आज देखने वाले हैं। नंबर एक कि हस्तमैथुन करने से लिंग की साइज़ कम हो जाती है, मतलब लिंग छोटा हो जाता है, ये सरासर गलत है। हस्तमैथुन से लिंग की साइज़ बिल्कुल कम होती नहीं है। लिंग कुछ दुबला होता नहीं है, पतला होता नहीं है, छोटा होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। नंबर दो, बाल झड़ने लगते हैं और गंजा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि बाल आपके झड़ने लगते हैं तो वो स्ट्रेस से है या हेरिडिटी है, अनुवंशिक है उसका, और हस्तमैथुन का कुछ भी संभव नहीं है। हस्तमैथुन से बाल झड़ते नहीं है। नंबर तीन, हस्तमैथुन से पिंपल आते हैं मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर पिंपल आते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पिंपल्स इसलिए आते हैं कि उम्र हो गई, हार्मोनल चेंजेस बहुत हो जाते हैं। 16, 17, 18 ये उम्र जो है उसमें बहुत ज़्यादा यदि हार्मोनल चेंजेस हो गए तो उससे पिंपल्स आते रहते हैं, उसका और हस्तमैथुन का कोई संभव नहीं है। चौथा, हस्तमैथुन से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग हस्तमैथुन करते हैं, पॉर्न देखते हैं, बहुत बार सेक्स वीडियोस देख देख के हस्तमैथुन करते हैं। हाँ, उससे कुछ हो गया तो नुकसान आंखों का हो सकता है, अदरवाइज हस्तमैथुन से आंखों के ऊपर कुछ भी नुकसान होता नहीं है, आंखों की रोशनी चली जाती नहीं है। आंखों के आजू बाजू में कालापन आता है, वो भी गलत है, ऐसा हस्तमैथुन से कुछ भी होता नहीं है। पाँचवा जो है वो है कि हस्तमैथुन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात नपुंसकत्व आता है, लैंगिक कमजोरी आती है, वो भी गलत है। हस्तमैथुन से लैंगिक कमजोरी आती नहीं है, लैंगिक कमजोरी का हस्तमैथुन का कोई संबंध नहीं है। मैंने हस्तमैथुन किया, बहुत वीर्य गमाया, अभी मैं थक गया हूँ, अभी मैं काम से निकल गया हूँ, ऐसी धारणा, ऐसा बिलीफ दिमाग में हो गया तो नपुंसकत्व आता है, हस्तमैथुन से होता नहीं है, गलत बिलीफ से होता है। छठवां जो है कि हस्तमैथुन से लिंग टेढ़ा होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हस्तमैथुन से लिंग टेढ़ा होता नहीं है। लिंग का टेढ़ापन जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा होना यह नॉर्मल है, इधर के बाजू या इधर के बाजू, उसका और हस्तमैथुन का कोई संबंध नहीं है। हस्तमैथुन से खून कम हो जाता है, ऐसा बोला गया है कुछ पुराणों में, आयुर्वेदों में, कि भाई यहाँ कुछ बाबा लोग यूट्यूब पे आते हैं, नो फैप मूवमेंट जो लोग चलाते हैं, वो बोलते रहते कि वीर्य जो है वो हस्तमैथुन में बहुत वेस्ट हो जाता है, वीर्य का एक बूंद जो है वो खून के 80 बूंद के बराबरी का है, और इतना वीर्य चले गया तो इतना खून चले गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर्य का और खून का, हस्तमैथुन का और खून का कुछ भी संबंध नहीं है। आठवां पॉइंट, हस्तमैथुन से कमजोरी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थकान आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हस्तमैथुन से ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हस्तमैथुन करने से ऐसा हो गया, ऐसा होता है, ये गलत धारणा, गलत बिलीफ से कमजोरी आती है, वैसा उसका कोई संबंध है नहीं। हस्तमैथुन ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसकी लत लग जाती है, वो एक नुकसान है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो बैलेंस वे में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ही हस्तमैथुन नहीं करना वो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हस्तमैथुन करना वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी लत लग जाती है। ज़्यादा हस्तमैथुन करेंगे मतलब इरेक्शन भी नहीं है पूरा हुआ, और ज़बरदस्ती 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं बार हस्तमैथुन कर रहे तो घिस घिस के उसके ऊपर जख्म भी हो सकती है और वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हस्तमैथुन की ये गलत फहमियाँ हैं, इससे आप दूर रहिए। हस्तमैथुन कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करके सीमेन को रोक के रखो, इससे आपकी आयु बढ़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह गलत है। हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, सब लोगों ने करना चाहिए, और करीब करीब 90% लड़के लोग हस्तमैथुन करते हैं, और 60 से 70% लड़कियाँ, 60-70% लड़कियाँ भी हस्तमैथुन करती है। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके
वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।